स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब इस कहानी में पंख लग गए। कल पुरुषों की हॉकी टीम सेमीफाइनल पहुंची थी और आज सुबह 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 जब आप सोकर उठे होंगे, आपने टीवी पर यह खबर देखी होगी। भारत की महिलाओं ने भी ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम तो हॉकी में हारती नहीं थी, लेकिन भारत की महिलाओं ने ऐसा किया, 1-0 से हराया। अब भारत की महिला टीम भी अब सेमीफाइनल में पहुंच गई, यानी कि हॉकी में हो सकता है भारत को एक नहीं दो दो मेडल मिले, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। भाई, एक जमाना था जब हॉकी का मतलब था ओलंपिक्स, ओलंपिक्स का मतलब था हॉकी। लेकिन 1980 के बाद भारत को हॉकी में मेडल नहीं मिला। अब तो एक नहीं दो दो मेडल्स की उम्मीद है। कल पुरुषों का सेमीफाइनल है सुबह 7 बजे बेल्जियम के साथ। लेकिन आज की जो जीत है महिलाओं की, ये बड़ी हो जाती है, क्योंकि टीम ने अच्छी शुरुआत नहीं की थी, लेकिन एंड मौके पर, ये कहते हैं ना पीक एट द राइट मोमेंट वाली बात है। लेकिन इन खिलाड़ियों के घरों पर, इनके चाहने वालों के लिए ये ऑलरेडी हीरो बन चुकी हैं। रानी रामपाल हैं इस टीम की कप्तान, और आपको याद होगा यहाँ जाने से पहले खिलाड़ियों को कोविड हो गया था। रानी रामपाल को भी हुआ था, बाकी खिलाड़ियों को भी हुआ, लेकिन आज देखिए ये हार नहीं मान रही हैं। और वो रानी रामपाल जो गरीबी में पली, उनके परिवार के लोग चाहते नहीं थे कि वो हॉकी खेलें, लेकिन आज हर कोई उनके घर के बाहर खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है कि रानी रामपाल के गले में मेडल कब आएगा। लेकिन कल सुबह 7 बजे बड़ा मुकाबला है जी, पुरुषों का सेमीफाइनल, भारत और बेल्जियम का मुकाबला। उसकी क्या तैयारी है ब्रेक के बाद? लेकिन आप जानते हैं कि परसों से टेस्ट मैच का आगाज है और भारत को मैच से पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मयंक अग्रवाल के सर पर गेंद लगा है प्रैक्टिस में और वो इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए। अब उनकी जगह ओपन कौन करेगा, भारत का बैलेंस क्या होगा? वैसे विमेंस हॉकी में भारत ने आज जीत दर्ज की, सेमीफाइनल का रास्ता तय किया। लेकिन डिस्कस थ्रो फाइनल में अब से थोड़ी देर पहले कमलप्रीत कौर का मेडल जीतने का सपना टूट गया। इससे पहले आप जानते हैं कि भारत के किसी एथलीट ने कभी भी ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीता नहीं था। छठी पोजीशन पर रही, बरसात भी आ गई थी, शायद उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन कम से कम फाइनल खेलने का उनको तजुर्बा जरूर मिला। साथ ही साथ इसके अलावा शूटिंग में भारत के हाथ नील बड़ा सन्नाटा ही चल रहा है, क्योंकि आज भी आप देखिए भारत के दोनों शूटर्स ने निराश किया, फाइनल तक में जगह नहीं बना पाए। लेकिन कल है बड़ा मुकाबला, जो मैं कह रहा था ना कि ओलंपिक्स का मतलब हॉकी, हॉकी का मतलब ओलंपिक्स। कल मनप्रीत सिंह की टीम, यानी कि पुरुषों की टीम, सुबह 7 बजे सेमीफाइनल खेलेगी बेल्जियम के साथ। बेल्जियम बड़ी टीम है, लेकिन भारत ने इस टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमों को इससे पहले भी हराया है। मैं आपको सीधा टोक्यो लेकर चलता हूं। राहुल रावत है मेरे साथ, और राहुल, तैयारी के लिहाज से, भारत की तैयारी, रैंकिंग के हिसाब से बेल्जियम, आमने सामने रखें, कौन भारी है? बेल्जियम पर तैयारी, रैंकिंग्स, ये सब अब कागज पे ही रह जाएंगे, क्योंकि मैदान पे इस टीम का जो भरोसा है, जो बिलीफ है, जो कॉन्फिडेंस है, मैं मानता हूँ कि कल जो भारतीय हॉकी टीम ने किया, मेंस हॉकी टीम ने, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और उनको उससे कॉन्फिडेंस मिला होगा। पर आज जो महिलाओं ने किया है, मैं मानता हूँ कि उससे भी मेंस टीम को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया भी देख रहे हैं और इधर उधर बातें भी कर रहे हैं। उनको पता है कि जो घर में, यानी हिंदुस्तान में, जो हवा मच रखा है वो सिर्फ और सिर्फ हॉकी का है। देखिए, मीराबाई चानू ने ओलंपिक मेडल जीता, बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया। कल सिंधु ने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता, पर आप देखिए हॉकी टीम ने अभी कुछ नहीं जीता है, मेडल तो नहीं जीता है अभी, वो मेडल से भी 2 जीत दूर है। कम से कम उन्होंने 2 मैचेस खेलने होंगे, पर फिर भी देखिए जश्न जो है पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। हर एक लड़का जो इस हॉकी टीम का है, हर एक लड़की जो इस हॉकी टीम की है, वो आज की डेट में नेशनल हीरो बने हुए हैं। मैं मेडल्स टैली पर आपकी नज़र एक बार डलवा देता हूं, क्योंकि चाइना, अमेरिका, जापान, ये 3 ही रहने थे। हमेशा जो होस्ट नेशन होता है वो मुकाबला करता है, लेकिन जापान फिलहाल 17 पर आकर अटक गया है, अमेरिका के 22 हैं। ट्रैक एंड फील्ड में मैं उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका का हुआ होगा, लेकिन फिलहाल 22 पर है चाइना, 29। और भारत के खाते में 2 ऐसे मेडल हैं जो आ चुके हैं, हालांकि 3रा मेडल जो लवलीना का है वो अश्योर्ड है, लेकिन मेडल्स टैली पर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हो सकता है कि अगर वो फाइनल जीते तो गोल्ड आए, फाइनल हारे तो सिल्वर आए, अगर सेमीफाइनल में हार गई तो ब्रॉन्ज होगा। लेकिन अगर भारत ने बीजिंग की बराबरी तो कर ली है 3 मेडल की, लेकिन अगर भारत ने अगर 6 मेडल लंदन की बराबरी करनी है,
उसमें यार हॉकी में से एक या दो मेडल आने बड़े जरूरी हैं और पहलवानों से भी अभी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल टेस्ट मैच से क्या उम्मीद है परसों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।